समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो ये जो डिजाइन है, अभी इस डिजाइन में आप जो भी चीज चाह रहे हैं सारी चीजें पॉसिबिलिटी है। जैसे आपका फ्लिपकार्ट में पॉइंट का सिस्टम होता है, अगर आप पॉइंट भी देना चाहें तो भी पॉसिबल है कि आप इसमें पॉइंट वगैरह भी दे सकते हैं। तो ये एक कुछ डिजाइन है, होम पेज की डिजाइन है। तो होम पेज की डिजाइन अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात यह कि कैटेगरी की डिजाइन, अगर आप कैटेगरी डिजाइन की बात करेंगे तो कैटेगरी का डिजाइन जो है लुक लाइक आपका फ्लिपकार्ट जैसा ही है। उसमें एक आपका ये इस टाइप से कैटेगरी डिजाइन है। हाँ, एक चीज है कि इसमें अभी तीन प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो तीन प्रोडक्ट के अलावा चार पाँच छह जितना आप करना चाहें, हर एक की डिमांड अलग अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो चीजें की जा सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक जो ये फिल्टर है, कैटेगरी वाइज फिल्टर है, प्राइस वाइज फिल्टर है आपका, क्या यहाँ पे कलर वाइज फिल्टर है, इस तरीके से फिल्टर आपका साइज वाइज फिल्टर है। अगर साइज वाइज किस में होगा, जैसे आपका क्लॉथ है या फिर इस तरह से के फैशन वगैरह के हैं तो उसमें का साइज होता है, या फिर इस तरह से शूज वगैरह हैं तो उस सब में साइज वाइज होता है। इसके अलावा फिल्टर आप यहाँ पे एक लैक्स के नाम से भी कर सकते हैं, फैब्रिक के नाम से भी फिल्टर कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आप ये चाहते हैं कि वेट के नाम से फिल्टर करें तो भी पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप ग्रोसरी का रखेंगे तो उसमें वेट का रखना पड़ेगा आपको, विदाउट वेट के रखे हुए उसमें आप, हाँ उसमें वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो ये तो आप, ये आपका फ्रंट पे कैटेगरी पे जाके, ये आपका सिंगल प्रोडक्ट्स है। अगर सिंगल प्रोडक्ट्स में ऐसा दिखता है कि इसमें जूमेबल जो है, जूमेबल आप इसको अंदर भी रख सकते हैं, बाहर भी रखना चाहे रख सकते हैं। इसके अलावा मल्टी यहाँ पे ऑप्शंस हैं कि अगर आप मल्टी सिलेक्शन चाह रहे हैं, रेट वेट कलर वलर इस तरह के सारे अलग अलग चाह रहे हैं तो भी पॉसिबिलिटी है। इसमें व्हाट्सएप में शेयर वगैरह चाह रहे हैं वो भी पॉसिबिलिटी है। हाँ, यहाँ पे रिव्यू का है, रिव्यू बटन वगैरह है, इस तरह से वीडियो रिव्यू डालना चाह रहे हैं तो वीडियो रिव्यू भी यहाँ पे डल जाएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी किस तरीके से वीडियो अगर रिव्यू डालते हैं तो किस तरीके से वीडियो रिव्यू होता है। क्योंकि आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो मार्केटिंग होती है वो वीडियो रिव्यू से ही होता है ज़्यादातर। तो अगर आप अपना छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं रिव्यू के पर्पज़ से, तो वो वीडियो भी आप इसमें डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इस टाइप से अगर आपका वीडियो बना रहे हैं उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड में, तो आप वीडियो भी इसमें डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रिव्यू वीडियो कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा ये एक डिज़ाइन तो ये हो गया जिसमें अंदर के जा रहे हैं। हाँ, इसमें एक ऑर्डरिंग का सिस्टम है, बड़ा अमेजिंग ऑर्डरिंग का सिस्टम है। इसमें आपका मल्टी सिलेक्शन रहेगा ऑर्डरिंग का, कि आप इसमें जब ऑर्डर करेंगे तो सबसे पहले जो ऑप्शन आ जाएगा वो माई कार्ट का आ जाएगा। जैसे आपका फ्लिपकार्ट का डिज़ाइन होता है, जैसे आप ऑर्डर करते हैं फ्लिपकार्ट में, सेम एज उसी टाइप से ही है। इसके बाद सबसे पहले आपका लॉगिन पूछेगा, जो आप लॉगिन करें, लॉगिन विदाउट लॉगिन के हुए अंदर जाने ही नहीं देगा। जैसे आपका फ्लिपकार्ट में भी यही सैंपल है कि जब तक आप लॉगिन नहीं कर लेते तब तक आपको वहां से अंदर जाने को मिलेगा नहीं। इसके बाद इसका लॉगिन के बाद आपका यहाँ पे शिपिंग इन्फॉर्मेशन है, डिलीवरी इन्फॉर्मेशन है, पेमेंट इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद आपका कन्फिगर है। कन्फिगर होने के बाद यहाँ पे आप आराम से उसको, एक मिनट मैं इसको लॉगिन ही कर लेता हूँ एक बार। तो यूज़र आईडी, चलिए को इसमें कब आप एक बार देख लीजिएगा, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, या फिर कोई दूसरे नाम से भी कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे लॉगिन एज ए गेस्ट भी कर सकते हैं, अगर आप लॉगिन नहीं चाहते तो एज ए गेस्ट भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, अगर आप चाहें तो करें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इंडिया सिलेक्शन आ गया, इसके बाद ये नंबर डाल दिया। हाँ, जी बगैर लॉगिन के भी हम कर सकते हैं एज ए गेस्ट। इसके बाद अब आ जाती है डिलीवरी इन्फॉर्मेशन। डिलीवरी अगर कोई बंदा ये चाहता है कि डायरेक्ट आपके स्टोर से पिकअप करे तो भी पॉसिबल है, लेकिन अगर कोई चाहता है कि नहीं मेरे होम डिलीवर में करें तो भी पॉसिबल है। ये सिलेक्शन आपका फ्लिपकार्ट में भी आएगा। तो यहाँ पे जैसे आप पिकअप करना है तो पिकअप के लिए आप पिकअप का लोकेशन डालेंगे, अगर होम डिलीवरी करना है तो उसके बाद इसे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू जैसे ही करेंगे तो कंटिन्यू के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। ऑफिस, जैसे ऑफिस का करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये आ गया, बैक आ गया। ओहो सॉरी, पूरा चला गया, एक मिनट। नहीं कोई नहीं कोई नहीं, एक मिनट। नहीं होना है, ऐसे ही करना है।
हाँ वो मस्ट है, वो मस्ट है, वो मस्ट है, हाँ वो मस्ट है सर। वो सर वो देखिए हर एक का अलग अलग होता है, आपकी रिक्वायरमेंट कुछ अलग होंगे, किसी और के रिक्वायरमेंट कुछ अलग होंगे, तो इसके लिए हर एक का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है, तो आपकी रिक्वायरमेंट जो होगी जहाँ पे होगा चेंजेस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। तो खैर यहाँ पे जैस हाँ लोकेशन वाइज आ जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है जी। हाँ वो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आ जाता है मैं पेमेंट का, तो पेमेंट यहाँ पे मल्टी पेमेंट है, अगर कोई भी पेमेंट लगाना चाहे आप लगा सकते हैं, इसमें कैश ऑन डिलीवरी के साथ मल्टी पेमेंट है, रोजर पे का, इंस्टाग्राम इंस्टामोजो का, स्ट्राइप का है, पेटीएम का भी है इसमें ऑलरेडी है, तो इसमें आप जैसा जो भी लगाना चाहे पेमेंट गेटवे सब आता है, पेटीएम में, फोन पे, गूगल पे, सब कुछ आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आपका पेमेंट का आ गया, फिर पेमेंट अभी मैं इसको कैश ऑन डिलीवरी रखता हूँ, कैश ऑन डिलीवरी रख के इसको मैं अभी कंप्लीट ऑर्डर कर रहा हूँ। कंप्लीट ऑर्डर जैसे ही मैंने कर दिया, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो अपना स्लिप आ जाएगा, इस तरह का मेल आ जाएगा, और ये हमारा हो गया ऑर्डर आईडी। तो ऑर्डर आईडी आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे अभी ये 2020/11/7 ये आपका डेट हो गया, और ऑर्डर आईडी आपका इधर से है, इतना ही ऑर्डर आईडी है, तो डेट डेट के साथ साथ वो भी आ गया। इसके बाद जो प्रोसेस हो जाता है, इसके बाद जो प्रोसेस होता है वो आपका ट्रैकिंग का होता है, कि आप ट्रैकिंग किस तरीके से करेंगे, क्योंकि एज ए कस्टमर कोई बंदा अगर ट्रैकिंग करता है तो उनको ये देखना है कि मेरा प्रोडक्ट कहाँ है, नहीं है, किस टाइप से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, कहाँ है, इस तरह का वो देखना चाहता है। तो ट्रैकिंग का बड़ा अमेजिंग सिस्टम है यहाँ पे, ये आपका आ गया, अभी ये ऑर्डर प्लेस हुआ है, ऑर्डर अभी कंफर्म नहीं हुआ है स्टोर की तरफ से, जैसे ऑर्डर कंफर्मेशन हो जाएगा तो ये ऑर्डर कंफर्मेशन पे आ जाएगा, फिर ऑन डिलीवरी जैसे ये बंदा डिलीवर के लिए निकल जाएगा तो यहाँ पे ऑन डिलीवरी आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे क्या डिलीवर हो गया, जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे डिलीवर दिखा देगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट है एज ए कस्टमर की, ये जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया आपको, एक मिनट, ये जो मैंने अभी बताया सारी चीजें, ये एज ए कस्टमर के कॉन्सेप्ट हैं। ठीक, आप इसमें सेम यही चीजें, जो डिजाइन है वो डिजाइन हमने एक कस्टमर के लिए अलग कर रखा है, ये एक डिजाइन है जो बिल्कुल अलग है, थोड़ा डिफरेंट है उनसे जो अभी तक आप देख रहे थे, थोड़ा सा डिफरेंट है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या है कि पॉइंट लगा हुआ नहीं है, किसी भी प्रोडक्ट्स में पॉइंट लगा हुआ नहीं है, जैसे अगर आप कोई भी एक प्रोडक्ट अगर आप लेंगे, जैसे फैशन का प्रोडक्ट्स है, तो फैशन के प्रोडक्ट्स में इसमें हमने इसमें रखा है कलर वाइज, जैसे ये चीज़ है, ये जूमेबल है, जूमेबल पहले में अलग था अभी में अलग है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट इसमें डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यहाँ पे सेलर का नाम आ जाएगा, सेम वही चीज़ है, ज़्यादा इसमें भी चेंजेस नहीं है, थोड़ा बहुत की मॉडिफिकेशन है, होम पेज में मॉडिफिकेशन है, इसके अलावा इसमें नहीं, वही है लेकिन थोड़ा उसमें हमने डिजाइन कस्टमाइज किया हुआ है, चीजें वही है, थोड़ा इसमें कस्टमाइजेशन किया हुआ है, बस लुक एंड फील में कस्टमाइजेशन किया हुआ है, बस और कुछ नहीं। तो खैर ये वही चीज है, हाँ यूआई थोड़ा डिफरेंट है बस। अब बात कर लेते हैं इसके, आपने तो अभी तक अभी देखा वो सिर्फ एज ए कस्टमर, बट अगर कोई वेंडर आपसे जुड़ना चाहता है, कोई बंदा आपसे, हाँ अभी जैसे कि ये तो आपका एज ए कस्टमर आपने किया है, ठीक है, इसके बाद अगर कोई वेंडर जुड़ना चाहता है आपसे, तो वेंडर जोड़ने के लिए बड़े बिल्कुल सिंपल ऑप्शन है, ज़्यादा इसमें मगजमारी नहीं है, मगजमारी इसलिए नहीं है कि यहाँ पे अपना वेंडर जो है नाम डालेगा, नाम, एड्रेस वगैरह, पासवर्ड जो भी अपना वो डालेगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन डालेगा, डालने के बाद वो अप्रूवल के लिए भेजेगा, जब आप मुझे अप्रूवल दीजिए, जब ये अप्रूवल के लिए वेंडर के पास जब जाएगा, तो अप्रूवल इस टाइप से आएगा कि वेंडर के जो ऑनर होगा उसके पास आएगा अप्रूवल, जो इस टाइप से क्या ये बंदा है जो अप्रूवल लेना चाहता है, या क्या नाम है, क्या ये हमसे जुड़ना चाहता है, तो उस टाइप वो आएगा। तो ये आपका वो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड एडमिन डैशबोर्ड ये वाला है, अब वेंडर डैशबोर्ड अलग है, उसका थोड़ा डिफरेंट है, वो ही मैं आपको बताऊंगा कि वेंडर डैशबोर्ड किस तरह का। तो ये इस टाइप से आप आ जाएगा आपका एडमिन पैनल, राइट, यहाँ पे जो आप प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो इसमें बहुत तरह की प्रोडक्ट्स आ जाएगा, बहुत तरह, मतलब आप इन हाउस का मतलब यह होगा कि आप खुद के प्रोडक्ट्स डाल रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स जो भी आपके खुद की कंपनी है उस कंपनी का प्रोडक्ट डाल रहे हैं,
तो इन हाउस प्रोडक्ट्स कितने हैं, कैसे हैं, नहीं है तो वो आ जाएगा। इसके अलावा सेलर प्रोडक्ट्स आपके पास, बोलिए बोलिए बोलिए। कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए इन हाउस का मतलब ये होगा कि आपके खुद के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक। अगर आप उसमें चाह रहे हैं कि मुझे डिफरेंट डिफरेंट स्टोर से मैनेज करना है तो आप डिफरेंट डिफरेंट स्टोर से मैनेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें जो प्रोडक्ट डालने का भी ऑप्शन है, बड़ा लाजवाब ऑप्शन है, ये टाइप से उसका ऑप्शन है। जैसे मल्टी प्रोडक्ट्स भी आप डाल सकते हैं, SEO का भी काम कर सकते हैं, PDF में कोई आपका डिस्क्रिप्शन है वो भी डालना चाहें डाल सकते हैं, शिपिंग का है, शिपिंग के रेट वाइज रखना चाह रहे हैं किसी, आप अगर आप ये चाह रहे हैं कि किसी एक प्रोडक्ट में इसकी शिपिंग जो है 200 रुपये होनी चाहिए और किसी प्रोडक्ट में फ्री होना चाहिए, तो आप हर एक प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप फिक्स कर सकते हैं कि किस प्रोडक्ट्स में क्या शिपिंग रखना है या नहीं रखना है, ये भी पॉसिबल है, ठीक। तो ये इन हाउस का हो गया। इसके बाद सेलर प्रोडक्ट्स वो सारे प्रोडक्ट्स होंगे, सेलर प्रोडक्ट्स वो सारे प्रोडक्ट्स होंगे जो आपके सेलर का होगा। एक पॉइंट यहाँ पे और यह है कि डिजिटल प्रोडक्ट भी आप इसमें सेल कर सकते हैं। एक तो होता है फिजिकल प्रोडक्ट, जैसे आपका फैशन का हो गया। इसके अलावा अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स भी चाह रहे हैं तो वो भी पॉसिबल है। तो डिजिटल प्रोडक्ट के लिए एक अलग से कैटेगरी रहेगी, इस टाइप से अलग से कैटेगरी होगा, यहाँ पे आप डिजिटल प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं या फिर आपका जो भी कोई वेंडर है वो भी डिजिटल प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपका अमेजोन का फंडा है, अमेजोन जो है वो डिजिटल भी सेल करता है और फिजिकल भी सेल करता है, तो अमेजोन में है जिस, लेकिन फ्लिपकार्ट में ये डिजिटल वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आप बल्क इंपोर्ट करना चाह रहे हैं प्रोडक्ट, जो आप हम बल्क में इंपोर्ट करें वो भी पॉसिबिलिटी है। हाँ, कैटेगरी, आपको कैटेगरी यहाँ पे तीन तरह से कैटेगरी रहेगा, एक वो हाँ बल्क का इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये दोनों चीजें हैं। इसके बाद कर रहे हैं कैटेगरी का, तो कैटेगरी आपका तीन तरह से रहेगा। तीन तरह से कैटेगरी रहने का क्या मतलब कि आपका ये तो मेन कैटेगरी हो गया, इस मेन कैटेगरी के अंदर भी एक सब कैटेगरी होता है, फिर उसके अंदर सब कैटेगरी होता है। जैसे ओमेन क्लॉथ एंड फैशन, ये आपका मेन कैटेगरी हो गया। इन मेन कैटेगरी में हॉट कैटेगरीज जो आ जाता है, ये आपका सब कैटेगरी हो गया। इस सब कैटेगरी में भी फिर एक कैटेगरी है, तो यानी आपका तीन तरह की कैटेगरी हो गया, सेम एज इट इज, उसी टाइप से जैसे आपका फ्लिपकार्ट में है। फ्लिपकार्ट में भी आपको सेम इसी टाइप से मिलेगा। जी बोलिए, फ्लिपकार्ट में भी आपको सेम एज इट इज यही मिलेगा। जैसे अभी जैसे ओमेन में आए, तो ओमेन में जैसे आप ओमेन में आ गए तो ओमेन में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है, ठीक है, उसके अंदर फिर आपको छोटे छोटे कैटेगरी मिलेंगे। तो इस टाइप से यहाँ पे भी आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी मैनेज करने का मौका मिलेगा, सब कैटेगरी एंड टू सब कैटेगरी, ठीक है, सब टू सब कैटेगरी। उसके बाद आपका ब्रांड का आ गया, आप ब्रांड आप जितना चाहे ब्रांड आप मेंशन कर सकते हैं, एट्रीब्यूट है, प्रोडक्ट रिव्यू है, प्रोडक्ट अगर कोई रिव्यू कर रहा तो वो चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आपका सेल्स का है, तो डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसको एक बार का अपने हिसाब से इसको देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं आपको इसका लॉगिन पासवर्ड दे दूंगा, आप उसको देखेंगे। हाँ, एक चीज़ और है इस पे कि मार्केटिंग का भी ऑप्शंस है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि कोई बंदा हमें मार्केटिंग के लिए चाहिए, हाँ, तो आप मार्केटिंग भी आप इसी एक ही प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं, एक ही एडमिन से किया जा सकता है। इसके अलावा पेमेंट का मल्टी ऑप्शन है, ये पेमेंट का मल्टी ऑप्शन है। आप नए नए स्टाफ बनाना चाह रहे हैं, हर एक स्टाफ को अपने अपने हिसाब से एक्सेस देना चाह रहे हैं, वो भी चीज़ पॉसिबल है। आई रिपोर्ट जनरेट करना चाह रहे हैं, जैसे इन हाउस प्रोडक्ट्स की रिपोर्ट, सेलर प्रोडक्ट्स की रिपोर्ट, या फिर प्रोडक्ट स्टॉक की रिपोर्ट, कुछ भी अगर रिपोर्ट अगर जनरेट करना चाह रहे हैं तो आप अपने रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। अगर आप ये देखना चाहें कि मेरे पास कितने स्टॉक में है प्रोडक्ट, ये कितने नहीं है, कितना आउट ऑफ स्टॉक है, तो वो सब चीज़ आप यहीं पर देख सकते हैं। ये बस अपना फिल्टर करेंगे, आप एज इट इज़ आपको इस तरह से दिख जाएगा, ये कितने प्रोडक्ट स्टॉक में है और कितने प्रोडक्ट स्टॉक में नहीं है। इस तरह के सेलर के प्रोडक्ट्स हैं, सेलर के प्रोडक्ट्स के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट अभी सेल हुई नहीं हुई, उसके बारे में रिपोर्ट लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सेलर आप डालना चाहें, सेलर के लिए इसमें आप उसका पेमेंट का ऑप्शन है, उसका रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, उसमें कमीशन का ऑप्शन है, परसेंटेज का ऑप्शन है,
सेलर पैकेज अगर आप रखना चाह रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट पैकेज के लिए, जैसे कोई वो भी आप रख सकते हैं, सेलर वेरिफिकेशन रखना चाहें वो रख सकते हैं। जैसे अभी कमीशन की बात कर लें तो कमीशन इसमें आप 2%, 3%, 4%, जैसे आप चाहें वो उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। इसके अलावा पैकेज की बात है, पैकेज का मतलब ये हो गया कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं तीन चार पैकेज बनाऊंगा, कि एक बेसिक पैकेज, एक सिंपल पैकेज, एक इस तरह के पैकेज बनाना चाहें तो बना सकते हैं। कि उसमें अगर अगर पैकेज करेंगे तो पैकेज पैकेज अगर करते हैं तो आपको परसेंटेज कमीशन की जरूरत नहीं है। मतलब कोई बंदा अगर ये चाहता है कि 2,000 रुपये पे करे और वो एक एक महीने के लिए यूज़ करे, तो ये पैकेज हो गया, 3,000 यूज़ करे। हाँ, सब्सक्रिप्शन बेस्ड, तो दोनों चीज़ ऑप्शन पॉसिबल है। आप अगर आप चाह रहे हैं कमीशन बेस्ड तो कमीशन बेस्ड भी पॉसिबल है, अगर आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड चाह रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड भी पॉसिबल है। हाँ 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 वो हो जाएगा। जैसे अभी अगर 10% रखते हैं, अगर किसी प्रोडक्ट की कीमत अगर 100 रुपये है तो 100 रुपये में 10% आपकी है और 90 रुपये सेलर की है। अच्छा, वो सारे पेमेंट, वो सारे पेमेंट हाँ। नहीं, उसी के अंडर में होता है, अंडर में होता है, अंडर में होता है। जैसे अगर सेलर अगर किसी प्रोडक्ट की कीमत अगर आपका डाला क्या नाम है 100 रुपये, तो यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा 10 रुपीज, यानी सेलर का बचेगा 90, या फिर ये ऑटोमेटिकली उसमें ऑटोमेटिकली जब सेलर का पेमेंट होगा ना, सेलर के पेमेंट में ऑटोमेटिकली आया हो जाएगा वो, तो सारे सेलर के लिए एक लोकेशन डलेगा। जैसे अभी अभी तक तो हमने बात कर रहे थे सेलर की। जी 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 नहीं, उसी में कमीशन ऐड होगा। हाँ, मतलब सेलर को इनफॉरमेशन देना है कि जी 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 वो उनका जब बिल बनेगा, जैसी जैसी उनका बिल बनेगा ना, तो इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। जैसे अभी देखा देता हूँ मैं आपको कैसे दिखेगा। जैसे ये आपका सेलर डैशबोर्ड है, सेलर डैशबोर्ड अभी तक तो हमने बात की थी इसके बारे में, एडमिन के बारे में, या एडमिन किस तरीके से रहेगा नहीं रहेगा उसके बारे में हमने बात की अभी। अब हम इसमें सेलर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एज कस्टमर, एक मिनट, शायद वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि एक मरत एक जगह लॉग इन किया हुआ हूँ, दूसरी जगह फिर लॉग इन करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है शायद, तो कहीं नहीं। जी, ये आ गया आपका सेलर डैशबोर्ड। सेलर डैशबोर्ड, हाँ एक मिनट में बता देता हूँ आपको, ये आपका सेलर डैशबोर्ड आ गया। यहाँ पे ये आपका होंडा सेलर का नाम है, ये ब्रांड का नाम है, ये वेरीफाइड वेरीफाइड आपका सेलर है। यहाँ पे कितना प्रोडक्ट्स इन्होंने बेचा, सेल किया नहीं किया, उसकी हिस्ट्री अगर परचेज हिस्ट्री अगर देखना चाहें वो हम देख सकते हैं। लेकिन बात कर लेते हैं अभी पेमेंट की, जो अभी बात कर रहे थे पेमेंट वगैरह की, तो पेमेंट वगैरह पे आउट का ऑप्शन होगा। यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री है और पे आउट ऑप्शन है, ये पेमेंट हिस्ट्री है, तो एज ए कैश भी पेमेंट देना चाहें आप वो मेंशन कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कस्टमर को। वॉलेट में देना चाहें वॉलेट में भी दे सकते हैं, ये कस्टमर का भी दे सकते हैं और साथ साथ सेलर का भी दे सकते हैं। अगर ये सेलर अगर रिचार्ज करना चाह रहा है तो रिचार्ज भी कर सकता है, सेलर के पास ऑफलाइन रिचार्ज करना है,
कैश के थ्रू तो भी किया जा सकता है, तो ये सेलर के लिए है। लेकिन अगर सेलर पेमेंट मांग रहा है कि मुझे क्या इतना अभी ऑर्डर आया हुआ है, इस ऑर्डर का मुझे पेमेंट चाहिए, तो यहाँ पे मनी विथड्रॉ पे क्लिक करेगा सेलर। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, सॉरी ये अभी शायद काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे मनी विथड्रॉ पे क्लिक करेगा। मनी विथड्रॉ पे क्लिक करने का तो उसका ऑप्शन आ जाएगा। हाँ, अभी ये दिखा इसलिए नहीं रहा है क्योंकि इस पर अभी वो मेंशन नहीं हुआ होगा कि उसके पास कितने प्रोडक्ट्स उन्होंने सेल किया है, क्योंकि इसमें क्वांटिटी वो होगा, लिमिटेशन होगा कि 2000 3000 4000 इस तरह का क्वांटिटी लिमिटेशन होगा। जैसे वो लिमिटेशन को पार करेगा तभी जाके वहाँ पे को विदड्रॉ कर सकता है। हाँ, इसमें इसके अलावा सेलर पे बेस्ट ऑप्शन ये कि अगर कोई डायरेक्ट कन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं या बातचीत करना चाह रहे हैं तो भी पॉसिबल है, इसमें कोई चीज़ें कन्वर्सेशन है। इसके अलावा ये एक पोस्ट मैसेज, कोई मैसेज वगैरह भेजना चाह रहे हैं, कस्टमर को भेजना चाह रहे हैं, किसी खास प्रोडक्ट्स के बारे में भेजना चाह रहे हैं, तो भी पॉसिबल है कि आप आराम से किसी भी चीज़ों को आप ऐड करके उसके बारे में मैसेज वगैरह दे सकते हैं, या हर एक यूज़र को भेजना चाहें नोटिफिकेशन के तौर पर वो भेजा जा सकता है। बल्क में अपलोडिंग का है, जैसे मैंने आपको वहाँ पे दिखाया, इस तरह कोई प्रोडक्ट्स आपका रिफंड हो गया, कुछ हो गया, उसके लिए रिक्वेस्ट डालना चाह रहे हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, तो भी चीज़ इसमें पॉसिबल है। नहीं, ये आपका सेलर का रहेगा, ये आपका सेलर का रहेगा। हाँ, जो आपका वेंडर पैनल है वो रहेगा, आपको जो एक्सेस रहेगा वो आपका सुपर एडमिन रहेगा। कोई टिकट है, कोई अगर इंक्वायरी जा रहा है, इंक्वायरी लेना चाहे इंक्वायरी ले सकता है, टिकट जनरेट कर सकता है, कोई फोटो में कुछ मिस्टेक है कुछ है तो आपसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। तो खैर, ये तो एक बेसिक से बेसिक सी चीज़ थी कि इसमें सेलर किस तरह से अपडेट होगा, किस तरह से नहीं होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में अभी हमने क्या जानने की कोशिश की। अब हम ये देखते हैं कि अगर इसका जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो मोबाइल एप्लीकेशन किस तरीके से काम करता है और वो कैसा है, नहीं अगर ये जानना हो तो इसके लिए, क्योंकि आज के डेट में आप जितना ज़्यादा मोबाइल से यूज़ होता है एप्लीकेशन, चाहे वेबसाइट जो भी चीज़ हो, उतना ज़्यादा जो है उससे ज़्यादा आपका ये क्या नाम है, सॉरी वेबसाइट के अकॉर्डिंग मोबाइल में ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि हर एक के पास एंड्रॉयड मोबाइल होता है, लेकिन हर एक के पास सिस्टम तो नहीं होता, बट हर एक के पास एंड्रॉयड मोबाइल होता है, इसलिए मोबाइल ऐप का होना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, वो जावा में तो वो उस क्या नाम है, एंड्रॉयड में चलने के लिए जावा तो ज़रूरी है, विदाउट उसके चल ही नहीं सकता। तो खैर, मैं इसको सारी बता देता हूँ कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस इसमें यूज़ की गई है, नहीं की गई है, और वो किस टाइप से, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये आपका अभी मैं मोबाइल पर आ गया हूँ, आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? हेलो, आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी, तो मैं अभी ये मोबाइल पर आ गया हूँ, तो ये आपका मोबाइल का फ्रंट पेज है, इसका फ्रंट लुक है, यहाँ पे आपका स्लाइड है, यहाँ पे आपकी कैटेगरीज हैं, फीचर्स कैटेगरीज हो गए, कैटेगरीज हैं, यहाँ फ्लैश रेट है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट्स चाह रहे हैं कि जो फ्लैश सेलिंग चाह रहे हैं तो उस टाइप से आपका ये प्रोडक्ट्स आ जाएगा। यहाँ पे एक ये इस टाइप से मल्टी कैटेगरी मल्टी प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग इस टाइप से आ जाएगा, इस तरह से आएगा। आप प्रोडक्ट के डिज़ाइन जो है मल्टी मल्टी रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से प्रोडक्ट्स के डिज़ाइन रखा जा सकता है। जैसे ये देखिए, ये एक डिज़ाइन एक अलग है, यहाँ पे कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग डिज़ाइन भी रखा जा सकता है, ये कुछ ब्रांडेड है। यहाँ पे आपके कैटेगरी आ गया, तो कैटेगरी का भी का ऑप्शन बड़ा खूबसूरत सा ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह, जैसे मैंने आपको बताया कि तीन तरह की कैटेगरी है, सेम उस तरह से यहाँ पे भी कैटेगरीज का ऑप्शन आपको दिखेगा। इसके अलावा एक सर्च बार भी इसमें अवेलेबल है, सर्च बार कोई भी प्रोडक्ट्स अगर आप सर्च करना चाह रहे हैं जो प्रोडक्ट इसमें अवेलेबल हैं तो वो चीज़ आप यहाँ पे डायरेक्ट एक वर्ड दो वर्ड भी सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं तो भी मैं आपको मिल जाएगा, यानी इजेक्ट सर्च के साथ भी है। जैसे अभी मुझे बैग चाहिए तो बैग ही मिल गया, इस तरह से अगर हमें फ्रूट्स का अगर डालना हो तो फ्रूट्स का भी हमें कर ले सकते हैं, तो कोई भी चीज़ हो। इसके अलावा इसमें जो ऑर्डर करने का भी सिंपल प्रोसेस है, ज़्यादा इसमें मगजमारी इसमें है नहीं, ये आपका सिंगल प्रोडक्ट्स है। यहाँ पे अगर आप डिफरेंट डिफरेंट आप प्रोडक्ट्स डाल रहे हैं तो उस प्रोडक्ट्स को आप इसको जूमेबल करके आप आराम से इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आपका कंपनी का वो एक प्रोडक्ट्स के बारे में या कंपनी के बारे में, बायर के बारे में, या क्या क्या इसमें ऑप्शन है, रिव्यू वगैरह का है, उसकी पॉलिसी क्या है बायर का, तो उस टाइप से यहाँ पे मेंशन किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे एक बाय का ऑप्शन आ गया, ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आ गया, अगर ऐड टू कार्ट करना चाहे ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। ऐड टू कार्ट करने की सूरत में यहाँ पे जैसे आप मोबाइल का है, इसमें तीन चार हैं, कलर कौन सी है, कितने जीबी का लेना है नहीं लेना है,
कलर्स वगैरह आ गया, तो यहाँ पर कलर्स हो गया, उसके बाद ऐड टू कार्ट कर लिए। ऐड टू कार्ट करने के बाद जैसे उसमें पॉसिबल था कि आपका गूगल से लॉगिन करें, फेसबुक से लॉगिन करें या फिर साइन इन करें, तो क्या इसमें भी वही चीज़ें हैं, मोबाइल में भी वही चीज़ें हैं। तो अगर मैं यहाँ पर गूगल में लॉगिन कर लेता हूँ, तो गूगल में ये मेरा लॉगिन हो गया गूगल के थ्रू। नहीं बिल्कुल, आप जिसमें चाहें वो सब पॉसिबल है। देखिए वो सब चीज़ें पॉसिबल है, चाहे आप मोबाइल से लेना चाहें वो भी पॉसिबल है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि मुझे क्या नाम है मेल आईडी पासवर्ड से लेना है, वो भी पॉसिबल है। वो आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से वो चेंजेस हो जाएगा। और बाकी का जो प्रोसेस है वो सेम वही प्रोसेस है जो मैंने आपको ऐप में दिखाया, वेबसाइट में जो दिखाया है, पेमेंट वाला सिस्टम जो वही है। इसके अलावा यहाँ पे आपका का जी बताइए। जी ऐसा नहीं है, उसके लिए मैनेज करने के लिए बड़ा सिंपल ऑप्शन है कि आपको एडमिन में वो सारी चीज़ें मिलेगा, एडमिन में आना पड़ेगा। अगर आप किसी भी कोई बंदा ऐसा है जो ये चाह रहा है कि वो आप हमारे प्रोडक्ट्स को ऊपर दिखाया जाए, तो भी पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी इसलिए है कि वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। हाँ, इसका अगर आप प्रैक्टिकल देखना चाहें तो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। सपोज के ये है, यहाँ पे मैंने किया एडमिन, लॉग इन किया, और लॉग इन करने के बाद यहाँ पे मैं आ गया जी। सर ये पीएचपी लारावेल का नहीं, ये पीएचपी लारावेल का बैकएंड है सर। आपको कॉमर्स में ये चीजें कहाँ से मिल जाएगी? ये पीएचपी लारावेल का बैकएंड है। पीएचपी लारावेल जी नहीं, लैंग्वेज है वो जिसके थ्रू का ये बनाया डिज़ाइन किया गया है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या चीज़ें हैं, नहीं है ठीक है। तो ये आपका डैशबोर्ड आ गया, ये आपका डैशबोर्ड आ गया। सपोज़ कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप फ्रंट में दिखाना चाह रहे हैं, राइट। जैसे सैंपल के तौर पर मैं कोई एक प्रोडक्ट ले रहा हूँ, जैसे ये प्रोडक्ट्स है जो अभी सामने आ रहा है, ठीक है। कोई ऐसा प्रोडक्ट्स लेता हूँ जो मुझे सामने दिखाना हो, जैसे कि मैं अभी वुमेन पे जा रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ कोई भी एक प्रोडक्ट ले रहा हूँ। अच्छा इसमें अभी डला हुआ नहीं है, जैसे ये प्रोडक्ट्स है, इस प्रोडक्ट्स को हमें फ्रंट पे दिखाना है या फ्रंट पे लेके आना है। तो ये प्रोडक्ट को फ्रंट पे लाने के लिए बिल्कुल सिंपल ऑप्शन है कि यहाँ पे जो हमारा बैकएंड है, बैकएंड में हम जाएंगे प्रोडक्ट्स के अंदर। नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सबर कीजिए। ये आपका प्रोडक्ट्स ऑर्डर प्रोडक्ट लिस्ट, ये प्रोडक्ट्स है, और ये हम प्रोडक्ट्स हम सर्च करेंगे ये प्रोडक्ट्स अभी कहाँ पे है। मैंने यहाँ पे सर्च किया, ये प्रोडक्ट्स हमें मिल गया। अभी अगर हमें ये प्रोडक्ट्स हमें दिखाना हो डील ऑफ द डे में, या फिर ये दिखाना हो फीचर प्रोडक्ट्स में, तो यहाँ पे बस आपको वन ऑन करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। जैसे फीचर प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स हैं, इस प्रोडक्ट्स में अगर हमें दिखाना हो, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, राइट। अभी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जैसे मैं इसको ऑन करूँगा तो ये अभी आ जाएगा। आपको रिफ्रेश कीजिए, रिफ्रेश करने के बाद देखिए यहाँ पे फ्रंट पे आ जाएगा, ये आ गया, राइट। यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से आप किसी प्रोडक्ट को अगर आप मेंशन करना चाह रहे हैं तो मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं इस प्रोडक्ट को मुझे एक डील ऑफ द डे में दिखाना है कि आज की सेलिंग में दिखाना है, तो आप वो भी दिखा सकते हैं। बस डील ऑफ द डे पे क्लिक करेंगे, जैसे डील ऑफ द डे पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपका यहाँ पे होम पेज पे एक सेक्शन बन के आ जाएगा डील ऑफ द डे का, और ये प्रोडक्ट्स का नाम आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आ गया ना,
तो वो अगर किसी प्रोडक्ट्स को अगर आप चाहते हैं किस तरह का दिखाएं तो पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है कि आप आराम से उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। जी और कोई सवाल, कोई मैसेज या कुछ चाह रहे हैं तो बताइए। जी हाँ, ये प्रीमियम कस्टमर, ये प्रीमियम कस्टमर जो होता है आपका या फिर जो प्रीमियम मेंबर होता है उनको आप ये सब चीजें दे सकते हैं। तो वो सब कैटेगरी वाइज, वो जो होगा सब कैटेगरी वाइज रहेगा वो। हाँ हाँ, या फिर उसको चाह रहे हैं कि उसकी कैटेगरी को हम वो यहाँ पे फ्रंट पे लेके दिखाएं तो भी पॉसिबल है, उसी कैटेगरी को आप फ्रंट पे लाके दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी बताइए। नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। देखिए ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अगर कोई मतलब ये चाह रहा है कि वो एज ए मेंबरशिप हमारे प्रोडक्ट्स को दिखाया जाए या फिर फ्रंट पे लेके आया जाए तो आप ये सब चीजें कर सकते हैं, पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए आप ये कहें कि नहीं ये प्रोडक्ट के लिए पेमेंट करना पड़ेगा जितना होम पे दिखाए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ लेकिन अगर आप वो करना चाहें, तो कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। हाँ वो चीजें पॉसिबिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं।